हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैगिस ब्लॉग। तो दोस्तों, ये अभी बहुत टाइम के बाद में ये लॉन्ग वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि आज मैं सुबह जल्दी 5 बजे उठा हूँ। अभी आप देख सकते हो बाहर यहाँ पे कितना अंधेरा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सेंट जेवियर्स कॉलेज, जो कि चर्चगेट में है, क्योंकि वहाँ पे अभी एक वेब सीरीज की शूटिंग होने वाली है। वो शूटिंग में आपको लाइव दिखाऊंगा, तो चलो चलते हैं। आज सुबह सुबह घर से निकला हूँ, इसलिए लिफ्ट पूरी खाली है, वरना लिफ्ट के लिए यहाँ पे भी लाइन लगानी पड़ती है। दिवाली की छुट्टी चल रही है शायद, इसलिए सब लोग सो रहे हैं। ये देखिए बिल्डिंग के नीचे कितने सारे फटाके का कचरा पड़ा हुआ है, पर दिवाली के टाइम पे हर जगह माहौल ही कुछ और होता है, हर जगह लाइटें वाइटें। तो गाइस, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कितना अंधेरा है यहाँ पे रोड पे, और यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा है। ये देखो, दूध वाला है मेरे बैक साइड में, और बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही जा रही है यहाँ पे। सो गाइस, अभी ये है हमारे यहाँ का हाईवे। मैं अभी फिलहाल हाईवे पे चल रहा हूँ, ये देखिए मेरे बैक साइड में। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि हाईवे से मेरा फ्रेंड एक मुझे पिक करने वाला है। स्पॉट पे पहुँचने के बाद मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पे गरम गरम चाय मिल गई। सुबह सुबह अगर आपको आपकी फेवरेट चीज़ मिलती है तो वाकई आपका दिन बहुत अच्छा जाता है, और ये वाली चाय तो वाकई में बहुत अच्छी है। चलो, टाइम पे तो मेरा फ्रेंड आ गया, अब तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ। अब निकले हैं हम हमारी मंजिल की ओर। मुंबई के सड़कों में सुबह सुबह निकलने का ये फ़ायदा होता है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगी। सो गाइस, अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो चुकी है, हम लोग ATM ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी शूटिंग में पेमेंट करवाना होता है हम लोग को। तो अभी हम लोग घूम रहे हैं चर्च गेट और VT स्टेशन के पास। यहाँ पे हम लोग बहुत जगह घूमे, ATM बहुत कम मिले, और जो भी ATM मिले वो तो आउट ऑफ सर्विस थे। तो अभी यहाँ पे एक ATM मिला हुआ है बैंक ऑफ इंडिया का, तो देखते हैं अभी अगर वहाँ से पेमेंट निकलेगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर दोपहर में वापस एक राउंड मारना पड़ेगा। देखते फिर अभी क्या होता है। सो गाइज, अभी तो मैं सुबह जल्दी उठा था, पर अभी बहुत नींद आ रही मुझे, अब पता नहीं पूरा दिन कैसे निकालूंगा मैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, जब मैं निकला था तभी पूरा अंधेरा था, और अभी तो यहाँ पे पूरा उजाला हो चुका है, देखिए। सो गाइज, अभी हम लोग फाइनली हमारे लोकेशन पे पहुँच गए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बैक साइड में कॉलेज। ये एक्चुअली सेंट जेवियर्स कॉलेज है, और इसको बनाया गया है कोर्ट। सो गाइज, यहाँ पे ना आर्ट वालों को वाकई में मानना पड़ेगा, अगर यहाँ पे अनजान व्यक्ति आ गया तो लगेगा उसको कि वाकई में ये कई कौन से तो कोर्ट में आ गया है। इतने सुबह 50% क्रू तो यहाँ पे आ गया है। सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर स्ट्रीमर लगा है, क्योंकि यहाँ पे धूप ज्यादा ना पड़े। हर क्राफ्ट यहाँ पे अपने अपने काम पे लगा हुआ है। तो गाइज, आज के शूटिंग एक्चुअली कोर्ट का बाहर का सीन दिखा रहे, तो अभी यहाँ पे जो भी आप देख सकते हो मेरे पूरे बैक साइड में कोर्ट का सीन लगता है, ये पूरा कोर्ट का माहौल ही बना दिया है। और यहाँ पे ये भाई बैठे हुए जो कि बैकग्राउंड आर्टिस्ट आएंगे उनकी लिस्ट बनाने के लिए। नहीं, बैठो बैठो बैठो। सब लोग ऊपर देखो जरा एक बार। सो गाइज, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ इन लोगों को, क्योंकि ये सब बैकग्राउंड आर्टिस्ट है, और इन लोगों में से कुछ लोगों को लॉयर बनाया है, कुछ लोगों को टाइपिस्ट बनाया हुआ है, और कुछ लोगों को आम जनता बनाया हुआ है, जो कि कोर्ट के बाहर पासिंग करेंगे। मेरे पीछे अभी शूट चालू हो चुका है। सो गाइज, मैं अभी यहाँ पे आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेन लीड एक्ट्रेस है वो फर्स्ट फ्लोर से जंप करने वाली है, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ अ शूट।
सो गाइज, आपने यहाँ पे देखा किस तरह से ये एक्ट्रेस ने ऐसा शॉट दिया हुआ है विदाउट किसी सपोर्ट के, ऑसम शॉट। सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिस्ट ने जिसके ऊपर जंप किया था ऊपर से वो बॉक्सेस थे एक्चुअली। सो गाइज, सनसेट के बाद जब लाइट की नीड होती है तो यहाँ पे लाइट्स लगा दिए जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइज, सुबह से इवनिंग तक यहाँ पे एक शिफ्ट खत्म हुई है और अभी हमें यहाँ से कुछ बैकग्राउंड आर्टिस्ट का पैकअप करना है, तो यहाँ पे ये सिलेक्शन किया जा रहा है जो अभी रुकेंगे उनका। सो गाइज, यस सर। सो गाइज, आज हम लोगों ने यहाँ पे शूटिंग की है और हम लोगों ने बहुत मेहनत की आज यहाँ पे। एक्चुअली हम दोनों भी यहाँ पे टायर्ड हो चुके हैं, एक्चुअली हम सब टायर्ड यहाँ पे हो चुके हैं, जितना भी आप क्राउड देख सकते हो, वकील लॉयर सब यहाँ पे जो है मौजूद है, मौजूद है यहाँ पे। देखो पूरा स्टाफ अपना, पूरा क्रू अपना, ये पूरा अपना क्रू जो है बैक साइड में, जितने भी लोग हैं, और ये हमारे लिए हमारे भाई हैं, हमारे भाईजान ने चाय लेके कॉफी लेके आए, थैंक यू सो मच। ये हमारे भाई है नासिर भाई, माशाल्लाह। नजीर भाई। तो अभी कॉफी आई है भाई के लिए, ये देख सकते हो आप। तो अभी यहाँ पे शूटिंग की कॉफी आती है, बहुत टेस्टी होती है। एक्चुअली बहुत टेस्टी होती है। ये नेस्कैफे के एक लेवल ऊपर, आई थिंक सो ब्रू होती है ना, ब्रू होती है, नहीं दोनों भी कोई मिक्स होता है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा इवनिंग हो गई है तो यहाँ पे लाइट भी कम हो गई, तो अभी यहाँ पे फिलहाल ये लोग कुछ बोर्ड कम रखेंगे, कुछ आदमी ब्रेक करेंगे और आफ्टर ब्रेक यहाँ पे वापस शूट करेंगे, और वो शूट होने के बाद 10-11 बजे बाद पैकअप कर देंगे। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर दिखा दिया। तो गाइज, यहाँ पे जो गाड़ी लेगी ना, ये गाड़ी अभी ना शॉट के लिए खड़ा किया है देखो यहाँ पे। सो गाइज, आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि आज सुबह से 17 घंटे का वर्क हो गया है, अभी बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। अभी यहाँ से 1 घंटे का सफ़र, अगर ट्रैफिक रहेगा तो 2 घंटे का सफ़र, तब जाके मैं घर पहुँचूँगा। तो देखते अभी कितना टाइम लगता है घर पहुँचने के लिए। सो गाइज, अभी तो मैं इतना थका हुआ हूँ, अभी रात के बज रहे हैं, कितने बज रहे भाई? 9:44 और मैं इतना टायर्ड हो चुका हूँ, पर ये भाई की वजह से मैं अभी बहुत हंसा हूँ और बहुत मज़ा आया, बहुत मूड पूरा रिफ्रेश हो गया मेरा। तो दोस्तों, फाइनली मैं अभी अपने घर पे आ चुका हूँ, और तो आज का फुल डे पूरा हेक्टिक था, हेक्टिक मीन्स हेक्टिक नहीं बोल सकते, बट बहुत टायर्डनेस हुई है, अभी आप मेरे चेहरे पर देख सकते हो, क्योंकि पूरा दिन वहाँ पे यहाँ से 1.5 घंटा कार से ट्रैवल करके जाना, फिर वहाँ पे पूरा दिन वर्क करना, और आपको सब मैंने दिखाया कि क्या होता है, कैसा होता है, क्या नहीं। तो इतना सब करने के बाद एट दिस मोमेंट अभी रात के 12 बज रहे, वो भी 12 बजने में मेरे ख्याल से बस 2 मिनट ही बाकी है, तो अभी मैं घर पे आ रहा हूँ। और वाकई में अभी बहुत थक चुका हूँ, आप मेरा फेस देख सकते हैं। तो आज के इस व्लॉग में आपको यही दिखाना था कि कैसे शूट्स होती है, और ये अपकमिंग एक वेब सीरीज है उसकी शूट थी जो मैंने आपको दिखाया है। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इसमें मराठी एक्ट्रेस है और बालाजी का एक एक्टर है, और बहुत सारे मराठी एक्टर, हिंदी एक्टर्स से बन रही है ये वेब सीरीज। तो अभी ये वेब सीरीज की शूट्स में आपको और भी दिखाऊंगा अपने डेली व्लॉग में। तो आज के इस व्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि मेरी अभी हालत ऐसी हो चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए इतना पसीना पसीना पूरा, ये देखिए, क्योंकि धूप बहुत थी, ऊपर ऐसा स्ट्रीमर लगाया था वहां पे, एक्चुअली धूप से बचने के लिए वहां पे ऐसा स्ट्रीमर लगाया था ताकि धूप डायरेक्ट पड़ ना सके बेस पर, और वहां से कुछ भी ऐसी हवा पास नहीं हो रही थी, तो बहुत वो भी टायर्डनेस हो गया है अभी फिलहाल। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।